और तीसरा मुकाबला खेला गया देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के टॉप 4 कंटेस्टेंट्स के बीच। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 7 नवंबर को हुई इस जंग में सुल्तान की कुर्सी पर बैठे जैकी कपाड़िया। जैकी ने लगभग हर राउंड में दमदार प्रदर्शन किया। हेलो दोस्तों, मैं जैकी कपाड़िया। आज मैं आपको एक ऐसा फंडामेंटल स्टॉक बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट में आपको कर सकता है मालामाल। दोस्तों, कोई भी फंडामेंटल स्टॉक लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है दो चीज़ें। एक होता है कंपनी का हायर मैनेजमेंट और दूसरा होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल के आगे चल के वो कितने साल तक सस्टेन करेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे पैनासोनिक कार्बन इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, 63% प्रमोटर होल्डिंग है जापानीज पैनासोनिक ग्रुप की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जापानीज पैनासोनिक ग्रुप एक बहुत बड़ा जायंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है। यही ग्रुप वर्ल्ड वाइड बैटरीज भी बनाती है। वो कार, बाइक के लिए, ट्रक के लिए, होममेड यूज़ के लिए, हर जगह के लिए वो बैटरी बनाती है। और वो बैटरी के लिए लगता है उन्हें कार्बन रोड, ये बनाती है हमारी। इसीलिए उन्होंने पैनासोनिक इंडिया को सेटअप किया, प्लांट को इंडिया में, जो बनाती है हाई स्टैंडर्ड कार्बन रोड्स इंडिया में। और ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कार्बन रोड्स है वर्ल्ड में भी, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो जापानीज पैनासोनिक की तरफ से कंफर्म है। 80% बिजनेस इनका एक्सपोर्ट होता है। अब बचा हुआ 20% क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में आज के डेट में भी वेट बैटरीज यूज़ होती है। वेट बैटरीज आपको पता होगा, आप घर में बार बार पानी डालना पड़ता है हमें दोस्तों, कितनी तकलीफ होती है। तो अब ये वेट बैटरीज रिप्लेस होने लगी है ड्राई बैटरीज के। ऑलरेडी एमरोन और एक्साइड दो कंपनी ने ऑलरेडी अपने ड्राई प्लांट्स, बैटरी बनाने के प्लांट्स ऑलरेडी सेटअप किए इंडिया में, और उनमें भी सिर्फ और सिर्फ लगेगी कार्बन रोड्स पैनासोनिक कार्बन इंडिया की, क्योंकि ये एक लौती कंपनी है इंडिया की। इसकी मोनोपोली है, जो एक लौती कंपनी है जो इंडिया में कार्बन रोड्स हाई स्टैंडर्ड के बनाती है दोस्तों। दूसरे अगर मैं दोस्तों बात करूँ फ्यूचर, दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज़ की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों ये ज़ीरो डेट कंपनी है। कंपनी के ऊपर आज के डेट में सिंगल रुपए का भी लोन नहीं है। कंपनी 100 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, उसके अंदर 88 करोड़ रुपीज़ बैंक के अंदर रिजर्व पड़ा है। यानी दोस्तों, अगर कल को इंडिया में अगर वेट बैटरीज एंटायरली या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज में कंप्लीटली अगर ड्राई बैटरीज आने लगी, तो इससे क्या होगा कि कार्बन रोड्स का इनका बिजनेस डबल होगा, प्रोडक्शन डबल करना पड़ेगा, प्लांट की साइज डबल करनी पड़ेगी, और तब इनको एक भी रुपया बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद के पास है 88 करोड़ रुपीज़ का कैश रिजर्व बैंक अकाउंट में, जो काफ़ी बहुत वैलिड और अच्छा पॉइंट है दोस्तों। और जानना चाहेंगे कि कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है कंपनी। 2002 के साल से लास्ट 4 साल का डिविडेंड कंपनी ने 10 रुपीज़ दिया है। शेयर कैपिटल बहुत ही छोटा शेयर कैपिटल है कंपनी का, 4.8 करोड़, फिर भी आज मार्केट कैप है कंपनी का 179 करोड़। एक्सपेक्टेड, जो मुझे लगता है कंपनी की एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट रहेगी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए दोस्तों, अराउंड 19 करोड़ रहेगी। यानी कि दोस्तों सोचने वाली बात है, 4.8 करोड़ के शेयर कैपिटल में कंपनी ऑलमोस्ट 4 गुना 19 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। EPS रहेगी अराउंड 40 रुपीज़, और जो P रहेगा काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा दोस्तों, 10 रुपये के करीब या उससे भी कम। ये स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई कंपनी ने जो बनाया है BSE पे, वो है 946 रुपीज़ का। मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीपेस्ट मल्टीनेशनल स्टॉक है जो ये करंट लेवल्स पे हर किसी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों। दोस्तों मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, लेकिन जब मैंने ये retailinvestor.in फॉर्म को जब फॉर्म किया था, तो हमारा सिर्फ एक विज़न था, एक ही सपना था कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कभी भी 1 रुपया लॉस ना करे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हर एक छोटे निवेशक, हर एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर तक हमारा ये वीडियो पहुँचाइए, जिससे एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी को वो बाय करे, 5-10 साल के लिए बाय करे और एक अच्छे गेंस स्टॉक मार्केट से कमाए। थैंक यू दोस्तों।